आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। साइबर सिटी गुरुग्राम में अब गाय के गोबर से बायो सीएनजी बनाई जाएगी। इसके लिए बकायदा पूरी तैयारियां भी कर ली गई है और गौशाला का चयन भी कर लिया गया है। केंद्र सरकार की ये योजना जल्दी धरातल पर उतार दी जाएगी और गाय के गोबर से बनी बायो सीएनजी से गाड़ियां फर्राटे भरती नजर आएंगी। हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार, गाय को लेकर काफी संजीदगी से नजर आती है। और इस बीच अब गाय के गोबर से खाद नहीं बल्कि बायो सीएनजी बनाई जाएगी, जिसमें गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह की यह तकनीक पहली दफा नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल की जाएगी और इसके लिए गुरुग्राम को चुना गया है। गुरुग्राम की काटरपुरी गौशाला में इस प्लांट को लगाने के लिए एक योजना बनाई गई है। वहीं केंद्र सरकार की एक टीम ने भी बकायदा इसका जायजा ले लिया है। अब सरकार चाह रही है सभी गौशालाओं को स्वावलंबी बनाना। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, गाय का हर चीज जो है किसी ना किसी यूज में आ सकती है। जैसे गौमूत्र से गौवर्क बनाया जा सकता है, जो कई बीमारियों में जिसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह गाय का दूध, गाय का घी, अन्य जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, सभी में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है। इसी तरह गाय का जो गोबर है, जिसे पहले काफ़ी समय से ही जिसे ईंधन में भी यूज़ किया जाता रहा है, और गाय के गोबर से गोबर गैस भी बनाई जाती रही है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे प्लांट को लगाने में तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा, जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर खर्च करेंगी। ये एक पहली तरीके का अनोखा प्लांट है जो कि भारत में लगाया जा रहा है। वहीं योजना के तहत काटरपुरी में नगर निगम की गौशाला है और यहाँ गायों की तादाद भी काफी ज्यादा है। वहीं इस पूरी योजना में गाय के गोबर को इकट्ठा करके वहीं गौशाला के भीतर एक प्लांट बनाया जाएगा। वहीं बायो सीएनजी की सप्लाई के लिए पंप तक पाइपलाइनें भी बिछाई जाएंगी। वहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ सघन पशुधन विकास परियोजना विभाग की तरफ से भी इस पूरी योजना के ऊपर काम किया जा रहा है। वहीं जो सर्वे हुआ है उसमें काटरपुरी गौशाला को लगभग फाइनल कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ये योजना और तकनीकी भी सफल होती है तो इसे दूसरी गौशालाओं में भी शुरू किया जाएगा। अब एक नई जो है तकनीक शुरू की जाएगी, जिसमें गाय के गोबर से बायो सीएनजी बनाने का शुरुआत होगी। और इसमें एक सर्वे भी हुआ है और हमारी नगर निगम की जो गौशाला है कामधेनु और नंदी धाम काटरपुरी में, वहाँ पर एक टीम ने आके सर्वे भी किया है। और इस चीज़ को किस तरह वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और नज़दीक में नियरेस्ट पेट्रोल पंप कौन सा होगा जहाँ से उसकी लाइन बिछाई जाएगी, तो ये भारत सरकार और गौ सेवा आयोग द्वारा एक मिला जुला प्रयास रहेगा और जिसकी फंडिंग भी भारत सरकार और आयोग द्वारा होगी। और आने वाले समय में हमें उम्मीद है नॉर्थ इंडिया में शायद सबसे पहली गौशाला हो सकता है, ईश्वर ने चाहा तो हमारे गुड़गांव में ही स्थापित हो बायो सीएनजी के प्लांट के लिए। गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।